आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में अचानक आई गिरावट के बावजूद भारत में सोयाबीन की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के चलते सोयाबीन की कीमतों में बढ़त बनी थी, क्योंकि उत्पादन कम रहने का अनुमान जताया गया था। वहीं अब बारिश देखने को मिली है, जिससे सोयाबीन की फसलों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। यही कारण है कि विदेशों में अचानक से सोयाबीन की कीमतों में कुछ गिरावट बनी है। हालांकि निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट्स अभी भी ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में कमी की आशंका लगाकर बैठे हुए हैं। उनके मुताबिक बारिश इतनी नहीं हुई है जिससे सोयाबीन का उत्पादन जल्द बढ़ जाए। हालांकि कुछ दिनों तक, जब तक बारिश जारी रहती है, सोयाबीन की कीमतों में गिरावट रह सकती है, लेकिन आगे बढ़त की ही संभावना जताई जा रही है। आज NCDEX पर सोयाबीन का जनवरी वायदा में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है और फरवरी वायदा में लगभग 1% की। फरवरी वायदा 6350 पर भी ट्रेड करता दिखाई दिया था। वहीं भारत में कम आवक के बीच लगातार मांग अच्छी रहने के कारण सोयाबीन की कीमतों में इंदौर में बढ़ोतरी हुई, जिससे विदेशों में सोयाबीन का बाजार मंदा रहने के बावजूद भारतीय सोयाबीन की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। अमेरिकी सोयाबीन के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान के कारण सीबोट पर बीते शुक्रवार को सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। जानकारों के अनुसार सोयाबीन में आगे बढ़त देखने को मिल सकती है। वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।